अब कॉलेजों में पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि कॉलेज से डिग्री लेकर निकलने वाले विद्यार्थी रोजगार के लिए यहाँ वहाँ ना भटके। बढ़ती बेरोजगारी दूर करने और युवाओं को उनके रुचि अनुसार मिलेट से बने पौष्टिक आहार का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राएं रोजगार की ओर रुख कर सकेंगे। डॉक्टर खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई 3 में शासन के निर्देशानुसार मिलेट्स के प्रचार प्रसार हेतु पोषक अनाज मिलेट्स विषय पर अतिथि व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता श्री साई सदन फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निर्देशक श्री कृष्ण मोहन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती रोजा कुमारी थी। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय के होम साइंस विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अल्पना देशपांडे के निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मंजुला गुप्ता ने छात्रों को संबोधित करते हुए मोटे अनाजों की विशेषता एवं गुणवत्ता पर प्रकाश डाला एवं इनके उपयोग करने के लिए छात्रों को प्रेरित भी किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री कृष्ण मोहन जी ने मिलेट्स के उपयोगिता पर विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारे पारंपरिक मोटे अनाज पोषण एवं गुणवत्ता से परिपूर्ण है, जिसके सेवन से हम स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं जैसे बीपी, शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल आदि से बचाव कर सकते हैं। उन्होंने मोटे अनाज के मुख्य दो वर्ग के बारे में जानकारी दी, जिसमें प्रथम वर्ग न्यूट्रल मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, द्वितीय पॉजिटिव मिलेट्स में सावा, कोदो, कुटकी, कंगनी, कोडरा आदि के बारे में बताया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कोदो, कुटकी, रागी के उपयोग करने की विधि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सर्वप्रथम अनाजों को लगभग 8 घंटे तक भीगना चाहिए, उसे मध्यम आंच में पकाकर खमीरकृत करके उपयोग करने से अनाज पौष्टिक गुणवत्ता से परिपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने सावा को प्रस्तुतिकरण के दौरान उबालकर उसके विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे लस्सी, पोहा, कॉर्न मिलेट, पनीर मिलेट, टोमेटो मिलेट आदि बनाकर सभागार में उपस्थित समस्त प्राध्यापकों एवं छात्र छात्राओं को स्वाद चखने के लिए वितरित भी किया। डॉक्टर खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई 3 में आज मिलेट्स अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। प्रशासन से हमें प्राप्त आदेशानुसार हमें शनिवार को ये कार्यक्रम करना था जो आज हमने आयोजित किया, जिसमें भारी संख्या में महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं बहुत उत्साह से भाग ले रही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि महाविद्यालय की छात्राएं मिलेट्स को हर घर घर तक पहुंचाएगी और स्वयं भी उपयोग में लाएंगी अपने घर में भी और इसकी जागरूकता जो है सारे गांव-गांव में फैलाएंगी। मिलेट्स जो है ये इतना ज़रूरी है कि आज का समय बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होते जा रही है और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जो खाद्य पदार्थ अभी उपयोग में लाते हैं वो केमिकल वाले होते हैं, रसायन होते हैं, और हम ऑर्गेनिक फूड्स जो है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें और मिलेट्स को हम खाएं, जिससे कि हर तरह की बीमारियां जो है वो दूर हो। तो मिलेट्स के बारे में लोगों को अभी इतनी जागरूकता नहीं है, क्योंकि मिलेट्स हमारे भारत देश में बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन बीच में अभी ये बंद होते जा रहा है क्योंकि इस पर ज़्यादा कार्य नहीं हो रहा है। बाहरी फूड जो है वो ज़्यादा उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो मिलेट्स जो है वो हमें बच्चों को ये जानकारी देना है कि ये हमारा भोजन है, इसे हम पहले खाते थे और लोग कितने 90-100 साल से ज़्यादा उम्र तक जीते थे कोई बिना बीमारी के, और आज भी अब हम इसका जागरूकता जो है बढ़ाएंगे जिससे कि लोगों की बीमारियां दूर हो, लोग इससे जागरूक हो। जो चाइनीज़ फूड बच्चे खा रहे हैं, जो पिज़्ज़ा, बर्गर ये सारी चीज़ खा रहे हैं, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है। ये सारे मिलेट से भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं जिसे लोगों को जानकारी नहीं है, और ये जानकारी सारी आज महाविद्यालय में दी जा रही है। देखिए मिलेट जो है वो सुपर फूड है, आज के अभी का जो इसमें सुपर फूड है, जो कि आपका उसमें इतनी फाइबर, विटामिन्स और उसका आयरन सब मात्रा इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी बीमारी को अपने तक पहुंचने नहीं देगी। अगर जो भी बीमार भी हैं जो वो अगर मिलेट लेते हैं तो शुगर भी 400 का शुगर भी अगर 3-4 मंथ्स अच्छे से अगर मिलेट्स को यूज़ किए और गेहूं छोड़ के तो आराम से 400 का शुगर भी आपको नॉर्मल पे आ जाएगा 4-5 मंथ्स में, क्योंकि हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिनका कि नॉर्मल हो गया है। और मिलेट में वो भी उतनी पावरफुल है कि
आपको कैंसर भी इससे ठीक हो सकता है। डॉक्टर खादर वली जो हैं, जो इंडिविजुअल साइंटिस्ट हैं और मिलेट मैन ऑफ इंडिया हैं, तो वो उन्होंने इस पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है और हम उनके मार्गदर्शन पे ही हम चल रहे हैं अभी। हाँ, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारी कंपनी साई सदन फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है, हाँ, हमारा कंपनी का मेन विजन ये है कि हर घर की हर थाली में हो मिलेट या सीरियल, तो उस पर हम फोकस करके काम कर रहे हैं। हम अभी आए हैं इस पीजी डिग्री कॉलेज में, जहाँ पे कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स को ये सिखा रहे हैं कि हर घर की हर थाली में कैसे मिलेट आए। तो हम स्पीच के साथ, हमारी मेन खासियत ये है कि हम यहाँ स्पीच के साथ में हम रेसिपीज भी सिखाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ सुनोगे तो उससे कुछ नहीं होता। जब तक आपने उसका रेसिपी का स्वाद नहीं लिया, तब तक हमको मालूम है कि आपके घर में मिलेट नहीं पहुँचेगा। तो हम यहाँ नहीं, हम 7 स्टेट्स में अभी ऑलरेडी हमारी कंपनी जो 7 स्टेट्स एक्सपोज में भी जाके अपना प्रदर्शन दिए छत्तीसगढ़ के तरफ से, हाँ, कि कोदो हमारी कंपनी जहीं भी एक्सपो में जाती है तो सिर्फ कोदो पे हम टोटल आइटम डिशेस बना सकते हैं। लस्सी से लेके आपका लस्सी हो गया, आपका राइसेस हो गया, सांभर राइस, कर्ड राइस, पनीर राइस, मशरूम राइस, कॉर्न राइस, कुछ भी बना सकते हैं ऑर्गेनिक। हाँ, तो हमारी कैफ़े है जो वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ रायपुर में है हमारा कैफ़े। हाँ, रायपुर में हमारी कंपनी यहाँ 4-5 साल से मेहनत की है यहाँ पे, और हमारे पास 7 स्टेट से डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि हमने कलेक्ट किया हुआ है, और हमारे कैफ़े जो है छत्तीसगढ़ का पहले कैफ़े होगा जो कि टोटल मैंने मिलेट्स पे ऑर्गेनिक बेस्ड मिलेट कैफ़े है हमारा, कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों से ही अपना कैफ़े में हम करते हैं और टोटल मिलेट्स पे रहता है। हाँ, तो अभी जितना हम ऑर्गेनिक अपनाएंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, और हमको अगर बीमारियों को हमारे नज़दीक नहीं आना है, आने देना है, या बीमारी को भगाना है, तो एक ही चीज़ है, वो है मिलेट्स, जो कि आपका स्वास्थ्य का पूरा रखे ख्याल। साई सदन फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी वाइफ रोजा कुमारी वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, और हम दोनों ही इसको, हमारी छोटी सी कंपनी है लेकिन हमने इस पर पूरा मेहनत की है कि हर किसान से लेके, हर SHG ग्रुप से लेके हर घर तक मिलेट किस तरह पहुँचे, इसके लिए हम हर जगह वर्कशॉप करते हैं। मिलेट्स आपको हर जगह मिलता है। देखिए, मिलेट्स जो है, आप मिलेट्स जो खाएंगे वो आप अनपॉलिश्ड मिलेट्स खाएंगे, अनपॉलिश्ड, क्योंकि पॉलिश्ड मिलेट्स में कुछ नहीं रहता, अनपॉलिश्ड मिलेट्स ही सबसे ये है, क्योंकि एक मिलेट इतना छोटा है पर उसके ऊपर 12 लेयर्स होते हैं। जब तक मिलेट आप 6-8 घंटा तक नहीं भिगाएंगे, वो लेयर नहीं खुलेगा, और लेयर नहीं खुलेगा आपको उसका फाइबर, विटामिन, आयरन जो भी है वो आपको नहीं मिलेगा, वो वेस्ट है। तो 7-8 आवर्स उसको आप सोक करने के बाद ही आप उसको जो करना हो कर सकते हो, और जैसे आटा वगैरह जो भी है उसको आप सोक करके सुखाइए और अपने घर में अच्छे से आप खुद आटा बनाइए। बहरहाल, कार्यक्रम का संचालन समाजशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक श्रीमती उमा आडिल ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।